तुम्हें लक्की से मिलाते हैं, लक्की थोड़ा जल्दी आ चुके वाले। लक्की अरे कौन है मनस्वी? हम लोग ना व्लॉग एडिट करके ना, ताई जी आपके घर की सीटी बज रही है, आज घर पे ही है। एंड हाँ, घर में जो जो काम होंगे पहले आज वो कंप्लीट करना है मेरे को, दो तीन, एक बैंक का काम है और एक दो काम और है वो कंप्लीट करेंगे। तो हाँ, आज के ब्लॉग में यही रहेगा। और हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं आज के खाने में, भाई आलू, आलू के पराठे और चटनी और चाय तो हमेशा रहती है। फटाफट खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद तुम लोगों से बात करते हैं, ठीक है? बाय द वे, हम कैमरे से ब्लॉग कर रहे हैं आज भी। मुझे पता है क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे लगी होगी, कलर ग्रेडिंग वगैरह, बट उस टाइम मैनेज कर लो, जब मैं 10-15 ब्लॉग बाद सीख जाऊंगा ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। गाइस, जिंदगी में सबसे गंदी मीटिंग ना ये होती है कि जब हमें कोई चीज़ ढूंढनी होती है ना, मतलब अगर हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए तो वो हमारी ना आंखों के सामने पड़ी रहेगी, हम इग्नोर करते जस्ट। एंड जब सही टाइम होता ना तो ढूंढने का, वो चीज़ मिलती नहीं। मैं तब से अपना एडसेंस का जो मेरा वो था ना, एक लेटर था, वो ढूंढ रहा हूँ, तब से मिल ही नहीं रहा है यार। लोगों की चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने हेलमेट है ना, इसका ये वाइजर लगवा लिया, ठीक है? एंड अभी मैंने देखा ये अपना वाला हेलमेट पहन रहा है, आई डोंट नो इसको ये वाला हेलमेट पसंद क्यों नहीं है, ये मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है, ये बहुत कम पहनता है, मुश्किल से मुश्किल। चलते हैं थोड़े बहुत सिनेमैटिक एंजॉय करो, एंड उसके बाद हम लोग अपना काम फटाफट कंप्लीट कराते हैं, फिर बात। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं PNB, यहाँ पे PNB है, इसके अंदर हम लोग शूट नहीं करेंगे, पहले हम लोग अपना फटाफट काम निपटाते हैं एंड उसके बाद तुम लोगों से बात करते हैं एंड बताऊंगा तुम लोगों को घर जाकर, ठीक है? PNB की सर्विसेज इतनी मस्त है ना गाइस, सीरियसली हम लोग जैसे गए थे ना, हम लोगों ने जो अंदर सर थे ना, उन्हें बोला कि हमें स्विफ्ट बोर्ड चाहिए, तो वो डायरेक्ट लेके आगे काफ़ी जल्द, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगे भाई वो काम होने में, फाइनली हम लोगों का वाला काम हो चुका है। बेसिकली शेखर भाई देखते हैं ना यूट्यूब का, तो शुक्रिया शेखर भाई, अगर शेखर भाई नहीं होते तो, शेखर भाई नहीं होते तो फिर कैसे होते हैं सब चीज़ें। ना व्लॉग एडिट करके ना, ताई जी आपके घर की सीटी बज रही है, तो फटाफट हम लोग व्लॉग एडिट करके अपलोड करते हैं, उसके बाद तुम लोगों से मिलते हैं, फिर रात को मिलेंगे सीधे, वरना मुझे पता है सीटी 4-5 बार तो और ही बजेगी, तो बोल रहा था ना मैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द सेम एपिसोड। सो ये वाला एपिसोड कल वाला ही है जो शुरू हो रहा है, ठीक है? एंड हम हमेशा की तरह एज यूजुअल कॉलेज जा रहे हैं, बट भाई एक चीज़ बताता हूँ, शायद कॉलेज वालों को ना कॉलेज की टाइमिंग थोड़ी बहुत चेंज करनी चाहिए, क्योंकि तुम ये चेक करो 6:53 हो रहे, काफ़ी जल्दी उठना पड़ता है, काफ़ी जल्दी तैयार होना पड़ता है। शायद आज मेरी बस शायद छूट गई होगी, क्योंकि 6:40 पर लास्ट बस जाती है ना, एंड 6:53 हो चुके हैं, तो होप फॉर द बेस्ट हम लोगों को। बस एक और चीज़ खाता हूँ जल्दी जल्दी जल्दी, तुम वो चेक करो अगर इतना जूम हो गया तो, देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है। ढंग से ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, मैंने सिर्फ चाय पी एंड मम्मी ने खाना खिलाया सुबह सुबह अपने हाथों से फटाफट, एंड फटाफट चाय रुक गया आ गया भाई, बढ़िया भाई जी, सुबह सुबह घूम रही है गाइस, मेरे से पहले मेरी बस सामने से गई, देख रहे हो मेरी सब बस छूटती मेरी डाले मेरे भाई, बढ़िया सुबह सुबह का लेक्चर है यार, थोड़ा लेट आया ना, मतलब अपनी जिंदगी में धीरे धीरे करके होती है चीजें अच्छी। इन्फ्लुएंसर गाइस, तुम लोगों को दिखाता हूं, कितने 2 मिलियन 3 मिलियन 3 मिलियन 3 मिलियन पहुंच चुके हैं गाइस फाइनली रील में, दोस्त भी ना इन बड़े बड़े दोस्त हैं, इन्फ्लुएंसर दोस्त हैं मेरे लोग गाइस। हम लोग जस्ट कॉलेज जा रहे थे, तुम देख रहे हो मैं गाड़ी घुमा ही रहा था, सिर्फ हम तुम्हें लक्की से मिलाते हैं, लक्की थोड़ा जल्दी आ चुके वाले। हेलो लक्की, अरे कौन है मनस्वी? गाइस मैंने तुम्हें बताया था ना, लक्की लक्की पोकेमोन है गाइस, अपने रूप विकसित करते रहते, तो पोकेमोन है, ये मेरे को नीचे मिला और ऊपर भागते भागते आ गए। हेलो जीवी, हेलो मैं कहाँ बैठे? काटेगा तो नहीं? ना ना बेटा, किसी जर्मन से नहीं, पक्का नहीं काटेगा। जिम्मी जैसा लग रहा है ना मैं पूरा। जिम्मी से मिला है? तुम्हारे भाई से मिला है तुम्हें? जिम्मी तो आता है बहुत, जिम्मी बहुत तेज से, पता बहुत तेज हो, वो आएगा ही नहीं मिलने, मुझे पता है, मुझे मेरे जिम्मी पे पूरा कॉन्फिडेंस है। तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, हमारे ग्रुप का सीन ऐसा है ना कि ना आदतें ना एक्सचेंज होती रहती है, तो ये चीज़ तो कंपलसरी है कि आदतें एक्सचेंज होगी कि नहीं होगी। जैसे लक्की की आदत थी, वो सामान कुछ भी गिरा देता कहीं, अब वो चीज़ मेरे साथ हो रही है, मैं खाते पीते ना कुछ भी सामान गिरा दे रहा हूँ, ठीक है? एंड मेरी आदत थी लेट आने की, इनकी आदत दिखाता हूँ मैं, बोलूँ ज़्यादा लेट नहीं हुई अभी, 8:22 झूठ बोल रहा है, इसके चक्कर में ना पहला लेक्चर छूट गया, झूठ बोल रहा हूँ, टाइम आगे कर रहा हूँ, गूगल टाइम दिखा दूंगा गाइस, इसने ना लेट कर दिया, बोला इसके कपड़े प्राइस ने अभी, वो बोल रहा कि नहीं कि मेरे साथ सेकंड लेक्चर में जाएगा, पहला लेक्चर मिस अपना तो करा रहा, मेरा भी लेक्चर मिस करा रहा,
अबे अमन तू कब से करने लग गया ये सब चीजें, मतलब सनस्क्रीन लगा रहा है भाई। उस सनस्क्रीन से पहले तो पता नहीं क्या लगा रहा था, देख मुंह सफेद कर दिया तूने, क्या है ये सफेद? अभी वो सही करने के लिए टोन ना, मतलब जब लोगों के 3 मिनट होता तो लगता है ना ग्रूमिंग करनी चाहिए। पहले तो ये वेस्ट एंड लगा, वो लगा के आता था, बोरो प्लस लगा के आता था, अब तो भाई कौन सी SPF 50 थी, मेरे को तो नाम भी नहीं होता गाइस, महंगी महंगी क्रीमें लगा रहे हैं। सो गाइस इसके चक्कर में हम लोग ना अब जा रहे हैं कॉलेज, इसके चक्कर में मैंने 2 लेक्चर छोड़े, भगवान कसम 2 लेक्चर छोड़े मेरे दोस्त बिना गाइस। रोमन आदत सुधारो भाई, सॉरी ब्रदर, सॉरी शक्तिमान। तो गाइस तुम लोग वो चेक करो, ये पता नहीं किसका बच्चा को रखा। फाइनली हम लोगों के सारे लेक्चर खत्म हो चुके हैं, तुम ये चेक करो 130। अच्छा लगा आजकल पढ़ने पढ़ाई करने में, तुम है ना सारी क्लासेस अटेंड करने का मन कर रहा है, मेरा तो खुद पढ़ने लिखने का मन कर रहा है सीरियसली। चलते हैं, मिलते हैं तुम लोगों से, ठीक है। वही तो महंगा नहीं हो पाएगा यार, कोई बात नहीं, खुशी होता है साथ पूरे हर किसी के साथ होता है, ऐसे सबको ऐसे लगता है कि मेरे साथ हो रहा है, पर होता सबके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम है। कल भी देखो मैं कैसे सो रहा था, कब उठा, जिसके संग ज्यादा होते हैं ना वो उतनी जल्दी समझदार बनता है। इतना समझदार नहीं बनना, अभी तो शुरुआत है जिंदगी की, पहली सीढ़ी है तेरी, अभी तो लाइफ में बहुत सीढ़ियां आएंगी तेरी। इतना ठंडा हो चुका ना, मैंने अभी ब्लेजर पहना है, शर्ट भी पहनी है, तो मेरे को इतना ठंड लग रहा है ना क्या बताऊँ। एंड अभी का सीन बताता हूँ, मेरे दोस्त लोग इतने महान है ना, आई डोंट नो गाइस क्यों हरजी इंसान इतना, उसने सेटिंग्स की SNQ में कर दिया, मेरा पूरा आधा कॉलेज का व्लॉग ना SNQ में शूट हो रखा है स्लो मोशन में। अब फास्ट फॉरवर्ड तो हम कर लेंगे, बट हम उस पर ऑडियो नहीं लगा सकते क्योंकि SNQ में ना साउंड रिकॉर्ड नहीं होती, वो चीज़ मैं जब अभी एडिटिंग करने बैठूंगा तुम लोगों को तब दिखाऊंगा, बट काफ़ी बेकार सीन हुआ है आधा व्लॉग तो, ऐसे खराब चलेगा मैन। हे गाइस गुड मॉर्निंग, मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या क्या सीन था, कल मैं व्लॉग एड नहीं कर पाया ना, मैं बताता हूँ मैं क्यों नहीं कर पाया। पहले तो मैं कल इतना थका हुआ था ना, मैं आते ही सो गया खाना खाने के बाद, एंड तुम ये चेक करो मैं यहाँ सो गया था, यह मैंने अपना जो था ये भी यहीं पे उतारा, एंड GoPro ना जिससे मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है। ये सारा सामान ऐसी था, ये भी यहीं पे लैपटॉप में, पूरा लैपटॉप में मेरा रात भर खुला रहा, पता है तुम्हें, मैं गाने सुनते सुनते सो गया। इसमें स्लो मोशन में रिकॉर्ड होता है बट आवाज़ नहीं आती, एंड मेरा पूरा आधे से ज़्यादा व्लॉग ना, पूरा आधा व्लॉग देखो स्लो मोशन में रिकॉर्ड हो रखा है। ये क्लिप भी जो हम सारे दोस्त लोग बैठे थे ना, हमारे जूनियर्स वगैरह कल मिले थे हमसे, वो क्लिप भी, ये भी जब ये मेरे दोस्त मेरे को चॉकलेट दे रही थी ना खाने को, ये देखो हम सब बैठे थे यहाँ पे, इतने मस्त मस्त पार्ट थे ना गाइस, इतने मस्त, और बहुत प्यारा व्लॉग था एक कसम गाइस, बहुत प्यारा। इसमें इतनी गंदी बस में इतनी घटिया सीट मिली ना, मैं मुझे ना बहुत नींद आती है बस में, तो मैंने अपने चश्मे लगाए एंड मैंने सो गया आँख बंद करके, तो फिर और वो सीट ही टूटी हुई थी, सीट हिलती जा रही, कभी मेरे घुटने लग रहा है, यहाँ ना बैक पेन बहुत गंदा हो गया पूरी बस में, मैं ऐसी आई तो वो सैलगोई वाली बस थी ना, तो बीच में कोई उतरा भी नहीं, वरना मैं सीट शिफ्ट कर देता अपनी कहीं और। करता हूँ आप लोगों को ये वाला व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मिलते तुमसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।